introduce percentage alaikum i welcome you all on the platform of digital academic provided by moonlight international publishers hello my dear students i am your math teacher my name is aisha our today's topic is about introduction of percentage student what is percentage percentage basically derived from the latin word ट इज पर सेंटम विच मीन्स आउट ऑफ एवरी हंड्रेड स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि आपने बेसिकली जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ना आपने नंबर्स को हंड्रेड पर डिवाइड करना है किसी भी चीज़ की परसेंटेज हंड्रेड में से निकालनी है परसेंटेज का साइन आपके पास स्क्रीन पर शोर है इस तरह परसेंटेज का साइन हम लगाते हैं किसी भी नंबर के साथ फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्वेंटी थ्री परसेंट तो हम लिखेंगे ट्वेंटी थ्री परसेंट और इसका मतलब क्या है 23 डिवाइडेड बाय 100. सो स्टूडेंट्स ईच रेश कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद 100. अगर हम किसी भी रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके रिजल्ट को तो हम उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है वन बाई टू ये आपके पास एक रेशियो एक फ्रैक्शन दी गई है आपने क्या करना है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम परसेंटेज में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करवा के तो हम लिखेंगे वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट विच मीन्स दैट इज फिफ्टी परसेंट किसी भी चीज़ का हाफ क्या होता है वन बाई टू और हंड्रेड का हंड्रेड परसेंट का हाफ क्या होगा डेफिनेटली फिफ्टी परसेंट इसी तरह अगर हम अगली एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है वन बाय थ्री वन बाय थ्री को अगर मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर मैं सबसे पहले वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई करवाऊंगी हंड्रेड बाय हंड्रेड से हंड्रेड बाय हंड्रेड से मल्टीप्लाई करवा के इट बिकम्स हंड्रेड बाय थ्री परसेंट और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा थर्टी थ्री होल वन बाय थ्री परसेंट नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है टू बाय थ्री और नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप टू बा टू को हंड्रेड को से मल्टीप्लाई करवा uh, करवाएंगे और थ्री से डिवाइड करवाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा सिक्सटी सिक्स होल टू बाय थ्री परसेंट इसी तरह स्टूडेंट्स आप फ्रिक्शंस uh, को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है फॉर एग्जाम्पल वी हैव फिफ्टी परसेंट तो हम क्या करेंगे हम 50 को डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ 50 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे एग्जाम्पल uh, में, में, में हम उसी परसेंटेज को अगेन फ्रैक्शन में या रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं नाउ स्टूडेंट्स बुक पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है एक्सप्रेस थर्टी आउट ऑफ फोर्टी एंड फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी एज अ परसेंटेज नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है एक्सप्रेस थर्टी आउट ऑफ फोर्टी एंड फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी एज अ परसेंटेज विच इज़ बेटर स्कोर आपके पास दो स्कोर दिए गए हैं थर्टी आउट ऑफ फोर्टी एंड फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी आपने बताना है इनमें से कौन सा स्कोर बेटर है तो अगर हम सबसे पहले देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है थर्टी आउट ऑफ फोर्टी अब हमने इस परसेंटेज इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी By multiply by 100 और सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा अगले एग्जाम्पल में उन्होंने आपको कहा है इसके नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको कहा है 40 out of 50। और 40 out of 50 को भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट के साथ तो आप, आपके पास आंसर जाएगा एटी परसेंट और आपने एंड पे क्या लिख देना है फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी इज बेटर स्कोर सिंस एटी परसेंट इज ग्रेटर मैं उम्मीद करती हूँ आपको परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा और फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चीजों को कन्वर्ट करना आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज